हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जैसे आप देख चुके हो थंबनेल से, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी जो भी स्टेटमेंट ज्वेलरी है। बेसिकली इट्स नॉट टू ट्रेडिशनल एंड इट्स नॉट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का एक कलेक्शन का जो वीडियो है वो मैं आई थिंक नेक्स्ट किसी पार्ट में डालूंगी। जैसे ये मेरा ज्वेलरी कलेक्शन का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लिंक ऊपर दिया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। काफी पुराना वीडियो है मेरा, उसमें मैंने मेरी जितनी भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी जो जनरली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो कलेक्शन मैंने दिखाया है। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरी स्टेटमेंट ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ, इस तरह की स्टाइलिश सी। बट एक चीज है कि ये सारी ज्वेलरी ना मेरी बहुत पुरानी है और मैंने ये अलग अलग स्टोर से ली हुई है, अलग अलग सिटीज और कंट्रीज से ली हुई है। तो आई कांट से कि मैं इसका लिंक आपको भेज सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी लिंक। जिसका होगा अगर एक दो चीजों का, देन आई शेयर इट विद यू। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा स्टेटमेंट ज्वेलरी का कलेक्शन। जो फर्स्ट पीस है वो है ये, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पीस, नेक पीस है ये बेसिकली। और ये जो है, अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये इस तरह का है, इट्स लाइक दिस। इस तरह से यहाँ पे ये बीट्स का वर्क है पूरा का पूरा, और ये इस तरह का है। दिस पीस इज गिफ्टेड टू मी फ्रॉम माई हस्बैंड। ये वो मेरे लिए मेक्सिको से लाए थे एक्चुअली, बट मल्टी कलर का है। द बेस्ट पार्ट इज के मल्टी कलर का है, और सबसे अच्छी चीज है कि ये ऐसी चीज है कि इसको मैं इंडियन ट्रेडिशनल वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कुर्ती के साथ डाला हुआ है। मेरा एक पुराना वीडियो है, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने यहाँ पे इसको इस व्हाइट कलर के टॉप के साथ डाला हुआ था। ये आप ऐसी ज्वेलरी है जो आपको जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या पहनना है, यू कैन गो विद इट, एंड ये एक आपका स्टेटमेंट पीस बन जाता है। और इसको ना आप इजीली कैरी कर सकते हो, इसको इस तरह से पहन सकते हो आप, इसको एज अ जस्ट एज अ इसको ऐसे स्ट्रोल जैसे यूज कर सकते हो आप। तो यू कैन वेयर दिस पीस इन एज मैनी एज वेज इन यू कैन, और ये इस तरह का हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत बहुत स्मार्ट लगता है। सेकेंड जो पीस है वो मेरे पास इस तरह का, ये टेराकोटा का पीस है, बहुत ही खूबसूरत सा है। और इसके साथ इस तरह से ये दो इयर रिंग्स है। ये पीस एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, वो एक्चुअली कोलकाता की है, तो वहां से वो मेरे लिए लेके आई थी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये मैंने इस येलो कलर की चिकन वर्क की साड़ी के साथ स्टाइल किया है, एंड इट्स लुकिंग ऑसम विद दैट साड़ी, बिकॉज कलर भी काफी कुछ मैच कर रहा है। और अगर एग्जैक्ट मैच ना भी करे तो आप आराम से इसे किसी भी साड़ी के साथ इजीली स्टाइल कर सकते हो, एंड आपका जो पूरा साड़ी गेम है ना वो भी पूरा चेंज हो जाएगा इससे। दिस वन इज द सेकेंड पीस जो मेरे पास है, एक स्टाइलिश सा। थर्ड जो पीस है वो है इस तरह का, बहुत ही डेलिकेट सा, ये रोज गोल्ड कलर में है। ये मल्टी कलर, आई मीन रोज गोल्ड इसका जो बेस कलर है, एंड इस तरह से ये मल्टी कलर का ये पेंडेंट है। इसके साथ सेम इस तरह के इयर रिंग्स है मेरे पास, सेम इसके सेट के साथ, और साथ में ये ना एक बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। इट्स ऑल इन अ सेट। और ये जो चीज है ये मैंने ऑनलाइन ली है, ये मैंने येलो चाइम्स करके एक ब्रांड है उससे ऑर्डर की थी। इसका लिंक मैं डाल दूंगी तीनों चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बिलीव मी, ये इतना एलिगेंट है कि इफ यू आर वर्किंग ना, आपके ऑफिस वेयर के लिए इट्स एन एप चॉइस, बिकॉज इट्स इन अ रोज गोल्ड कलर। तो आपका ये इजिली आपका वेस्टर्न्स के साथ जाएगा, आपके फॉर्मल्स के साथ जाएगा, एंड आपके इंडियन वेयर के साथ भी जाएगा ये बहुत आराम से। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे मैंने इसको मेरे इस पिंक कलर के बहुत खूबसूरत से सूट के साथ स्टाइल किया है, बिकॉज यहाँ पे जिस फंक्शन में मैं गई थी उस फंक्शन में एज सच बहुत ज्यादा गॉडी गॉडी कुछ नहीं चाहिए था, एंड मेरा सूट वॉज ऑफ अ डिफरेंट काइंड, उसका जो पैटर्न था। तो देन आई थॉट कि ये वाला जो ज्वेलरी पीस है ये उसके साथ बहुत अच्छे से जेल होगा। तो
दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट पीस वन शुड हैव इन देयर वार्डरोब. नेक्स्ट जो पीस है वो है ये अगेन इन अ मल्टी कलर. गाइस कैसा होता है कि आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दिस काइंड ऑफ अ ज्वेलरी. अगर आप थोड़ा मल्टी कलर में लेते हो तो कैसा होता है कि आपकी बहुत सारी चीजों के साथ जाते हैं. भले ही आप उसका जो बेस कलर है वो सिल्वर रख सकते हो या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में रख सकते हो या गोल्डन या रोज गोल्ड कलर में रख सकते हो. बट अगर आप थोड़ा मल्टी कलर में लेते हो ना तो आपकी वो आपके साथ वैसा नहीं होता कि यार ये एक पर्टिकुलर कलर है इसको मैं इसी ड्रेस के साथ पहन सकती हूँ. सो दैट इज द रीजन आई प्रिफर के थोड़ा कलरफुल हो जो भी ज्वेलरी हो. कलरफुल इन द सेंस कि आप इस तरह के कलर्स हो कि हाँ वो कुछ पर्टिकुलर शेड्स के साथ वो मैच करे. तो सेम विद दिस. ये भी एक्चुअली अ गिफ्टेड वन. ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मुंबई में मेरे बर्थडे पे आई गेस गिफ्ट किया था मुझे एंड स्टिल इन अ वेरी वेरी गुड कंडीशन और बहुत बहुत स्मार्ट नेक पीस है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के मैंने इस नेक पीस को इस ब्लैक कलर के सूट के साथ स्टाइल किया है एंड इस सूट के साथ जो दुपट्टा है ना वो भी एक्चुअली मेरा ये जो काथा वर्क का दुपट्टा होता हैवी वाला वो है. तो उसमें भी जो शेड्स हैं वो इस नेक पीस के शेड्स के साथ मैच कर रहे हैं. दैट्स द रीजन के मैंने ये दोनों ऐसे इस तरह से साथ में पहने हैं और एक दूसरे के साथ ये बहुत अच्छी तरह से जेल कर रहे हैं. सो this is a kind of way कि you can wear all these jewelry with particular shades or colors. Next जो piece है वो है मेरे पास इस तरह का. ये silver में है. बहुत ही delicate सा है ये. ये if you remember last year मैंने मेरे बेटे के 10th birthday पे ये वाला मेरी जो navy blue साड़ी है उसके साथ style किया था. और इसके साथ ना इस तरह की खूबसूरत से छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं एंड इसके साथ ना ये बहुत ही स्टाइलिश सा ब्रेसलेट भी आया था. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी 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 स्मार्ट पीस. दिस वन इज अ पीस. ये मैंने ऑनलाइन लिया था. इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये मैंने मुझे एक्चुअली ब्रांड नेम तो याद नहीं आ रहा है बट दिस वन आई बॉट ऑनलाइन फ्रॉम एमेजॉन. दिस वन इज आर नेक्स्ट पीस विच इज वेरी वेरी एलिगेंट. नेक्स्ट पीस जो है दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स वो है ये. अगेन एक चेन एंड लॉकेट है एंड इट्स अ लॉन्ग वन. और अगेन ये जो है ये गोल्डन कलर में है इसका जो बेस है एंड इस तरह का है ये. अगेन इसमें मल्टी कलर ही है. बिलीव मी इस तरह के जो लॉकेट्स होते हैं ना वो आपके इतने इतने खूबसूरत लगते हैं. इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ मंगलसूत्र आपको नहीं पहनना है या ऐसी जगह नहीं है कि जहां मंगलसूत्र बहुत जरूरी है वो बड़ा वाला पहनने में. जनरली हमारे ट्रेडिशनल वेयर में वो पहना जाता है. तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन. ये जो है ये मैंने लाइफ स्टाइल से लिया था लॉन्ग बैक. आई थिंक 3 or 4 years हो गया है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मेरी ये जो लिनेन की जो पीच कलर की साड़ी है इसके साथ मैंने इसको स्टाइल किया हुआ है. तो इसके कलर के साथ बहुत स्मार्ट लग रहा है ये. बिकॉज मैंने जो ब्लाउज इसमें पहना हुआ है ना उसके साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत हैवी सा कुछ ज्वेलरी पीस नहीं डालना है गले में. सो आई वोर दिस वन. एंड नेक्स्ट जो फोटो है वो मेरे अभी लास्ट बर्थडे की है. अगेन मैंने ब्लैक कलर और ये जो मेरा रेड कलर का जो श्रग है उसके साथ इसको स्टाइल किया है एंड उसके साथ तो ये एप्ट मैचिंग हो रहा था. अगेन मुझे वो ब्लैक कलर के ऊपर कुछ कलरफुल चाहिए था. सो आई वोर दिस वन. सो दिस पीस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट पीस विच इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी क्लासी. नेक्स्ट जो पीस है दैट इज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है और वो है इस तरह का. ये है ब्लैक कलर में. ब्लैक भी नहीं है ये, मेटेलिक ग्रे है बेसिकली. इस तरह का है और ये जो है ना ये चेन वाला है. इसमें पूरा चेन है ये. ओके एंड इस तरह से ये आपका गले में आता है और इसके साथ जो इयररिंग्स हैं वो है ये लॉन्ग इयररिंग्स इस तरह के. ये जो नेक पीस है ना अगेन ये मेरा बहुत बहुत पुराना
नेक पीस है और ये जो सेट है ये आई थिंक इसको हो गया है 12 या 13 ईयर्स। ये मैंने आई थिंक यूएस से लिया था, या तो मेसीज या बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री, यहाँ से दोनों में से किसी एक जगह में से लिया था। आई थिंक 12-13 ईयर्स हो गया है, तो मुझे एग्जैक्ट तो स्टोर का नाम अब याद नहीं है मैंने कहाँ से लिया था, बट मेरा ये वहीं का है एंड इज स्टिल इन अ वेरी वेरी गुड कंडीशन। द क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड एंड इसके इयररिंग्स आर वेरी वेरी नाइस। हाँ, ये जो है ये आपका पूरा वेस्टर्न्स के साथ जाने वाला पीस है, जो स्टेटमेंट पीस है, इसको आप इंडियन के साथ पहन सकते हो एज यू विश, अगर आपकी साड़ी उस तरह की है या आपका सूट कुछ उतना स्टाइलिश सा है। बट आई जनरली वेयर इट विद माई वेस्टर्न आउटफिट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के यहाँ पे मेरा जो रेड कलर का लॉन्ग ड्रेस है वन पीस, उसके साथ मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है एंड उसके साथ ये कलर बहुत अच्छी तरह से जेल हो रहा है और ये जो पूरा स्टाइल है वेस्टर्न वो पूरा मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट पीस है वो है इस तरह का, ये भी अगेन एक मल्टी कलर का ही पीस है, बट ये चोकर नेकलेस है बेसिकली। इसके साथ इयररिंग्स इस तरह के हैं, सेम पैटर्न में है एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के यहाँ पे मैंने इस साड़ी के साथ इसको स्टाइल किया है एंड यहाँ पे भी ये बहुत बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और आप चाहो तो इसको किसी भी और पैटर्न की साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो, बट आई थॉट कि इस साड़ी के साथ ये बहुत स्मार्ट लगेंगे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको स्टाइल करके दिखाए हैं। सो यार, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। आज मैंने आपके साथ अपने जो मेरे स्टेटमेंट पीसेज हैं ज्वेलरी के वो शेयर किए हैं। आई होप आपको ये मेरा कलेक्शन जो है ज्वेलरी का वो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये मेरा ज्वेलरी कलेक्शन का सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी एंड प्रोबेबली इट वुड बी माई स्टेटमेंट इयररिंग्स का जो कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का जो कलेक्शन है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ही किसी इतने ही इंटरेस्टिंग और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए ओके, चाचा, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।